हेलो क्लास थ्री। ओके, अब हमने लास्ट हमने 2D एक्सरसाइज कर ली थी, अब हम 2E एक्सरसाइज करेंगे आज। और उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 2E एक्सरसाइज में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, 2E एक्सरसाइज में हमें बेसिकली जो पहले दो चीज़ें सीखनी है वो है ग्रेटर और स्मॉलर नंबर, कि कौन दो नंबर हमको दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये कैसे करते हैं? सपोज करो ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर सीखते हैं अपन। इसमें पहला रूल ये होता है, अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं तो उसमें आपको फर्स्ट थिंग ये देखनी है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, 136 और 79 में से कौन बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेंगे। इसमें कितने डिजिट्स हैं? एक, दो। यहां पे कितने डिजिट्स हैं? वन, टू, थ्री। तो सिंपल, इसमें आपको आगे कुछ नहीं करना, जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा नंबर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4386, 896 कितनी डिजिट्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर। यहां पे कितनी है? वन, टू, थ्री। यहां पे चार डिजिट्स हैं, ये बड़ा हो गया। ओके, सपोज करो दोनों तरफ चार चार डिजिट्स हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि यहां पे वन, टू, थ्री, फोर डिजिट्स, वन, टू, थ्री, फोर डिजिट्स है, तो दोनों फोर फोर हो गई। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों में बराबर डिजिट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहला नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर। ये कितना है? थ्री। ये कितना है? थ्री। दोनों बराबर हैं। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहां पर है टू, यहां पर है फोर, तो टू और फोर में से बड़ा कौन? फोर। ये ऐसे हो गया। तो अगर सपोज करो पहला नंबर ही आपका, जैसे कि 8798, ये दो नंबर हैं, पहला नंबर देखा, नाइन बड़ा है एट से, सिंपल ये बड़ा हो गया। अगर सपोज करो दोनों में सेम नंबर है, ठीक है, यहां पे आपने, अब सपोज करो इन दोनों में से हमको पता करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो पहला हम स्टेप करेंगे, पहला नंबर देखेंगे नाइन, यहां पे क्या है? नाइन। ये तो दोनों सेम सेम है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे एट, यहां पे भी एट, ये भी दोनों सेम सेम है। फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहां पे है सेवन, यहां पे है एट, तो एट सेवन से बड़ा हुआ, ये बड़ा नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम बना किसी भी दो नंबर्स के बीच में से आप ये पता कर सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स देखना, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर एक एक नंबर हम कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है, और जो नंबर बड़ा निकलेगा उस पे हम ग्रेटर का निशान लगा देंगे। सिंपल। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट में है इसमें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे आपको फाइव नंबर्स दिए हुए हैं, या सिक्स नंबर्स दिए हुए हैं, या सेवन एट नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर उसको अरेंज करें, पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा नंबर लिखना उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कहते हैं? इसका उल्टा, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में छोटा पहले और उसके बाद बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नंबर और फिर सबसे एंड में छोटा नंबर। एक एग्जांपल करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। सपोज करो ये नंबर दिए हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात नंबर दिए हुए हैं। अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर हमको नंबर्स के बीच में पता करना हो कि कौन सा नंबर छोटा है बड़ा है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? चार। इसमें कितनी है? 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 तीन। और इसमें है दो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? सबसे छोटा नंबर तो ये हुआ पहले, तो सबसे पहले ये छोटा नंबर हम लिख लेंगे, ये हो गया। उसके बाद ये नंबर हुआ, क्योंकि इसके पास तो तीन ही डिजिट्स हैं, तो इससे बड़ा नंबर ये हुआ। अब जो हमारे पास बचे हुए नंबर है उसमें सबसे में चार चार डिजिट्स हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि पहला डिजिट हम देखेंगे सब में, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है हमें, क्योंकि हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो अब पहला डिजिट देखते हैं, यहां पे है फोर, यहां पे है सिक्स, यहां पे है एट, यहां पे है फाइव, यहां पे है सिक्स। तो फोर, सिक्स, एट, फाइव, सिक्स में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? फोर। तो ये आ जाएगा यहां पे, ये डिजिट हो गया। अब क्या बचे हमारे पास? अब हमारे पास बचे सिक्स, एट, फाइव, सिक्स। इनमें सबसे छोटा कौन सा है?
फाइव, तो ये वाला नंबर आ जाएगा यहां पे, ये नंबर हट गया। अब सिक्स एट सिक्स में से छोटा नंबर कौन सा है? सिक्स, लेकिन सिक्स तो यहां पे दो दो हैं, तो अब हमें पता करना है इन दोनों सिक्स वाले नंबर में से भी छोटा नंबर कौन सा है। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें है नाइन और इसमें है एट, नाइन और एट में से छोटा कौन सा होता है? एट, तो ये नंबर पहले आएगा 6815, और उसके बाद ये नंबर आएगा 6924। अब सिक्स सिक्स वाले नंबर भी खत्म हो गए, बचा कौन सा? 8043। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो ध्यान से, सबसे छोटा 18, उससे बड़ा 300 होता है, उससे बड़ा 4000 होता है, उससे बड़ा 5000 होता है, उससे बड़ा 6800 होता है, उससे बड़ा 6900, और बाद में 8000। बन गया देखो आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी रूल से हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। पहले हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8043। उससे छोटा कौन सा नंबर है? सिक्स और सिक्स, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? एट और नाइन में से बड़ा कौन सा है? ये तो पहले ये आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6924। उससे छोटा 6815। अब सिक्स सिक्स खत्म हो गए, बचे क्या हमारे पास? फोर और फाइव। फोर और फाइव में से बड़ा कौन सा? फाइव, तो 5936। फिर आया 4015। अब बाकी बचे ये तीन डिजिट और दो डिजिट, तीन डिजिट और दो डिजिट से छोटा हो गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। आया समझ में? रूल वही है, आपको नंबर कंपेयर करने हैं, डिजिट्स पहले काउंट करने हैं, उसके बाद अगर सब में सेम डिजिट्स हो तो पहला नंबर देखना है, पहला नंबर अगर सिमिलर हो तो सेकंड नंबर के हिसाब से आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। ओके अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस 2 वीक के कुछ सवाल करके देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें हर क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज करो सेल्फ प्रैक्टिस 2E का हम पहला पार्ट लेते हैं, जिसमें आपको ये पता करना है कि कौन किससे बड़ा है या इक्वल टू है। ओके इसमें ए बी सी डी तो इजी है, ई भी इजी है, जिसमें आपको एक तरफ वर्ड फॉर्म दी हुई है और एक तरफ नंबर। मैं एफ बताता हूं आपको, ठीक है? एफ फॉर्म एक्सपांडेड फॉर्म वाला है। आपको क्या दिया हुआ है? 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2 बड़ा है या 4532 बड़ा है? इनको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? ये प्लस करोगे तो ये आएगा। अब बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये तो दोनों इक्वल है, 4 4 5 5 3 3 2 2, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा दोगे। समझ में आया? जैसे इसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6253 और दूसरा नंबर दिया है 6523। तो आप कैसे पता करोगे? पहला नंबर देखेंगे, दोनों में सिक्स है, दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे टू है, यहाँ पे फाइव है, ये बड़ा है ना, बड़े का निशान लग गया। समझ में आया? इजी। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपको नंबर्स दिए हुए हैं अरेंज्ड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब आपको बस ये पता करना है कि असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में। आपको अगर पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले बड़ा नंबर होता है, फिर उससे छोटा 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 छोटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये और छोटा नंबर है, ये और छोटा है, ये इससे भी छोटा है, फिर और छोटा है, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बड़े नंबर से, बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका? डिसेंडिंग। तो आपको यहाँ पे लिखना है डी। अगर ऐसा ही कुछ उल्टा है, जहाँ पे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके आगे आपको लिखना होगा ए। ओके तो ये 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी सी डी ई, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को वही करना है जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था। हमको नंबर दिए हुए हैं और हमें उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट लेते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिकली बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा तो 19 है। 19 से बड़ा कौन सा है? 51। 51 से बड़ा 63। 63 से बड़ा 103 और लास्ट में 1003। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा,
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे 4 नंबर दिए हुए हैं हमें, ये 4 का ए क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, और इसमें 3 हैं, तो ये तो लास्ट में आएगा हमको पता है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कैसे ढूंढा जाए? सबसे बड़ा नंबर है जैसे कि 4 4 4 डिजिट, इसमें से भी यहां पे 3 2 3, तो 2 तो भी छोटा है। अब इन दोनों में से हमें ढूंढना पड़ेगा बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहां पे पहले तो 3 है, यहां पे भी 3 है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर यहां पे 3 है लेकिन यहां पे तो 4 है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हुआ। तो सबसे बड़ा नंबर हुआ ये, उससे छोटा ये। अब कौन बचा, ये दो, तो ये इससे बड़ा नंबर है 2 2 2, और सबसे छोटा लास्ट में 9 9 9 है क्योंकि इसके पास है ही 3 डिजिट, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, और उससे छोटा, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इजी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है, आपको 3 नंबर दिए हुए हैं और आपको बोला गया है इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो हो तीनों में से उसको आप टिक करो, और जो सबसे छोटा नंबर है उसे आप सर्किल करो, है ना। तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं उनमें से क्या है। सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए पहला नंबर देखेंगे, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, ओके, तो ये तो बराबर हो गए। नेक्स्ट नंबर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, 2 3 4 में से सबसे बड़ा कौन सा, 4, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर हुआ। सबसे बड़े नंबर के आगे हम करेंगे टिक। और इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ, छोटे नंबर को करेंगे हम सर्किल, ओके। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में ABCD पार्ट में जो इन तीनों में से अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं उनमें तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको टिक करना है, जो सबसे छोटा नंबर आपका उसको आपको सर्किल करना है, ओके। तो आज के लिए आप यही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ही करेंगे, ओके। तो ये आप कर लेंगे तो आपको ये ना कल मुझे सबमिट कराना है। सेल्फ प्रैक्टिस 2E में से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आपको करने हैं, ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो जिस तरीके से आप मेरे को मैसेज देंगे, मैं आपको फिर ऑनलाइन लाइव लेके मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर दूंगा इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया तो। तो फिलहाल आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 5 सवाल करके आपको मुझे सबमिट कराने हैं, ओके क्लास। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये मुझे सबमिट कराइए, मैं चेक करके आपको इसका रिवर्ट करता हूँ, ओके। थैंक यू क्लास।